तो इस वक्त की बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, 11 लोगों की जान जा चुकी है। और देखिए ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, रात का वक्त और ऐसे में राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है जरा देखिए। कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें खिड़की के रास्ते निकालने की कोशिशें की जा रही है। ये देखिए एक शख्स को कैसे खींचकर बाहर निकाला गया, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रशासन के लोग भी हैं और टॉर्च की मदद ली जा रही है चूंकि अंधेरा ढल चुका है। उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे डीरेल हो गए, पटरी से नीचे उतर गए। अभी भी बड़ी संख्या में लोग अंदर फंसे हुए हैं इन बोगियों के अंदर, और ऐसे में राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है, ये जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो देखिए जरा। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि खिड़की के रास्ते उन्हें बाहर निकाल सकें। जो सरिये उसमें लगे हुए उन्हें काटा गया है ताकि जगह बनाई जा सके। और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता इस वक्त है वहां पर राहत और बचाव दल की, वो यही कि जो लोग अंदर फंसे हैं जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो गंभीर तौर पर जख्मी होंगे, जिन्हें इलाज की फौरन जरूरत होगी। और जैसे ही लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, फौरन कुछ लोगों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ भेजा जा रहा है। ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसे एक शख्स को निकाला गया कुछ लोगों की मदद से, और भी बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं और अपनी बारी का उन्हें अब इंतजार। और ये देखिए गैस कटर भी वहां पर है बाकायदा, ताकि अगर कुछ लोग अंदर फंसे हैं जिन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं लोग वहां पर किसी रुकावट की वजह से, बाधा की वजह से, तो फिर ट्रेन के उस हिस्से को काट दिया जाए। जान माल का बड़ा नुकसान हुआ होगा, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह का यह हादसा है। 65 लोग जख्मी हैं, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है और 11 लोगों की जान चली गई है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यह हम आपको उसी ट्रेन के एक डिब्बे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। सेना के लोग भी वहां पर मौके पर तैनात हैं, राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है, स्थानीय पुलिस मौजूद है। बहुत ही यह दुखद हादसा, कई बोगी ना सिर्फ पलट गई बल्कि कुछ डिब्बे तो एक के ऊपर दूसरे डिब्बे चढ़ गए, और ऐसे में ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और इस खबर से जुड़ी बड़ी बातें आपको बताएंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात यह है कि इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 65 से ज्यादा लोग स्थानीय जितने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन पास में आए और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए कैसे जो आपातकालीन खिड़की है उसके जरिए यहां से लोगों को निकाला गया है। सबसे पहले इस शख्स का पैर बाहर निकाला जाता है और उसके बाद अंदर जो लोग मौजूद हैं उसको बाहर करते हैं। बुरी तरह से ये शख्स जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, उसको अब यहां से अस्पताल ले जाया जा रहा है। तमाम पुलिस वालों की भी मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी जो लोग मदद कर रहे थे, ट्रेन से जो लोग सुरक्षित बाहर निकले उन लोगों की ओर से भी मदद की गई। आपातकालीन खिड़की आप ये देख पा रहे हैं और उसके पीछे का हिस्सा, ये हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी कि अंदर से बाहर आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा। लेकिन इस खिड़की के जरिए एक शख्स को कैसे बाहर निकाला गया, वो तस्वीरें जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग वो तो अपने मन से आपातकालीन जो खिड़की है उससे बाहर निकल गया। और देखिए एक महिला यहाँ पर जा रही है, बुरी तरह से घायल हुई है। और फिर से ये तस्वीर, इस शख्स का पैर आपातकालीन खिड़की से, आपातकाल खिड़की जो है उससे बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी बाहर आती है। बुरी तरह से वो जख्मी हुआ है, कराह रहा है, चीख रहा है, और उसके बाद इसको तुरंत वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अस्पताल लेकर जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कुछ और तस्वीरें इस वक्त हमारे असाइनमेंट के पास है, वो तस्वीरें हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुखद यह हादसा जिसने 11 लोगों की जान ले ली है, 65 लोग जख्मी हुए। और ये देखिए ये जो पटरी है ये किस तरह से टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त ये पटरी, कटी हुई पटरी है। और इसके ऊपर से क्या ये ट्रेन गई, क्या ये पहले से ही ऐसी थी या फिर इसको जानबूझकर ऐसा किया गया, क्योंकि आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ये जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं ये एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये कटी हुई पटरी है, इसके ऊपर से ट्रेन दौड़ती है लेकिन वो पटरी बीच से टूटी हुई है। इसका मतलब यहां पर जरूर कुछ गड़बड़ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां पर रक्षित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रक्षित, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? और लगातार दर्शकों को हमने तस्वीरें भी दिखाई,
कहीं कहीं से जो टूटी हुई पटरियां हैं उनकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं खतौली से। जी देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल स्पॉट पर ही खड़ा हुआ हूं और यहां पर रेलवे का दरअसल जो है वो काम चल रहा था पटरी को लेकर, और पटरी का एक हिस्सा जो है वो पूरे तरीके से यहां पर कटा हुआ है। तमाम जो एनडीआरएफ वाले लोग हैं और बाकी सब मौके पर हैं, और इस वक्त मैं ये पटरी देख सकता हूं कि ये पटरी कटी हुई है जगह से, बीच में से, और संभवतः जो ड्राइवर ने है ये कटी हुई पटरी देखी होगी या फिर ट्रेन जो है डिरेल हुई होगी तो उसके बाद में फिर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लिए होंगे जिसके बाद में ये हादसा हुआ, क्योंकि ट्रेन का आधा हिस्सा जो है वो तकरीबन जिस जगह से, जिस पोर्शन से ये रेल की पटरी कटी हुई है उससे आगे निकल चुका है आधा ट्रेन का हिस्सा, और आधी ट्रेन इस हिस्से से जहां से पटरी कटी हुई है उससे पीछे की तरफ है। तो कुल मिलाकर रेलवे की जो है घोर लापरवाही यहां पर नजर आ रही है। तमाम जो उनके औजार हैं वो यहां पर हम देख सकते हैं, जेनसेट जो मौजूद है वो यहां पर है, हथौड़े जिनसे रेलवे ट्रैक पर काम किया जाता है वो यहां पर मौजूद है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहां पर रेलवे का काम चल रहा था। इतना बड़ा हादसा तो ये संभव है पूरी तरीके से जो है घोर लापरवाही रेलवे की तरफ से हो सकती है। जी बहुत बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता रक्षित सिंह इस वक्त देखते हुए, रेलवे की ओर से बड़ी लापरवाही ये हो सकती है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था। जैसा कि एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जगह जगह से जो पटरियां हैं वो टूटी हुई है, कटी हुई पटरियां। तो क्या वहां पर पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी पटरियों को ठीक करने का काम चल रहा था और इस बारे में जानकारी नहीं दी गई ट्रेन को और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है, इस कारण यह हादसा हुआ है? अगर ऐसा है तो सीधे सीधे इसके लिए रेलवे जिम्मेदार होगा। जैसा कि इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ट्रैक पर कटी हुई पटरियां और उसके ऊपर से गुजरी ट्रेन, जिसके बाद यह हादसा हुआ, जो जानकारी दी जा रही है। रक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रक्षित, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वहां पर जगह जगह जो कटी हुई पटरियां हैं वो रखी गई हैं? यहां पर ये हथौड़ा भी आप देख सकते हैं, यानी कि वहां पर काम चल रहा था मरम्मत का, दूसरे भी औजार तमाम आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वहां पर काम चल रहा था पटरियों को ठीक किए जाने का। ये छोटी सी पटरी जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और एबीपी न्यूज इसी वजह से कुछ सवाल भी पूछ रहा है, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, रेलवे की लापरवाही से क्या हुआ है इतना बड़ा हादसा जिससे 11 लोगों की जान ले ली है, 65 लोग जख्मी हुए हैं, उनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दूसरा सवाल, कटी हुई पटरी से ट्रेन पार करने की इजाजत कैसे दी गई, क्योंकि जहां पर भी अगर पटरी कटी हुई होती है वहां से ट्रेन को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तीसरा सवाल, किसी ने साजिश के तहत तो पटरी को नहीं काटी, ये बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन अगर पटरी वहां पर कटी हुई थी तो फिर वहां से ट्रेन को गुजरने की, जाने की इजाजत कैसे दी गई, एबीपी न्यूज का ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य लगातार जुड़े हुए हैं। साहब से सीधा से सवाल, जो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अगर वहां पर पटरी पहले से कटी हुई रखी है, तमाम तरह के औजार हैं, तो फिर ट्रेन को उस रास्ते से ऊपर से गुजरने की इजाजत कैसे दे दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता कि लोग वहां पे मौजूद हों और ट्रेन की पटरी कटी हुई हो और उसको इजाजत दे दी जाए। ये कुछ पीसेज जो हमें एक्सीडेंट साइट पे मिलते हैं वो ये बात सही हो सकती कि उसके पहले काम चल रहा हो, और जिस समय इजाज़त दी जाती है वो काफ़ी सावधानी बरती जाती है, लेकिन जो एक चीज़ हो सकती है कि जो ट्रैक के अंदर फ्लॉ होता है, जो अंदर तौर से जिसको हम लोग रेल फ्रैक्चर कहते हैं, कभी कभी वो डिटेक्ट नहीं होता। आपको सीधे रुक कर लेते हैं, मौके का रक्षित सिंह हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। रक्षित, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को तस्वीरें आप मौके की। जी देखिए, सबसे पहले हम एबीपी न्यूज पर ये मौके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तो पटरी का हिस्सा है जो कि यहाँ पर कटा हुआ आप देख सकते हैं, ये तमाम औजार हैं, ये हथौड़ा है यहाँ पर, और ये रेलवे का एक ट्रैक का जो हिस्सा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम जो औजार हैं जिनसे रेलवे मैन जो है, जो यहाँ पर कर्मचारी है जो काम कर रहे थे, उनके तमाम औजार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो औजार हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ट्रैक का ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये कटा हुआ है, और इसके आगे की तरफ जैसे आप देखेंगे तो आगे की तरफ पूरा का पूरा पटरी का जो हिस्सा है वो वहां पर मौजूद नहीं है, और संभवतः इसी की वजह से, क्योंकि रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर आ गए हैं और उनका कहना है कि ऑफिशियली रेलवे की तरफ से जो है यहां पर काम चल रहा था, और ये वो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक का काट के बीच में डाला हुआ है, तो घोर लापरवाही रेलवे प्रशासन की तरफ से यहां पर देखने को मिल सकती है, रेल मंत्रालय की तरफ से। इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जो कि पुरी से चलकर हरिद्वार के लिए जाती है, वो
जब खतौली पहुंचती है मुजफ्फरनगर के तो ट्रैक का हिस्सा कटा हुआ है, किसी के पास कोई सूचना नहीं होती है, संभवतः ट्रेन के ड्राइवर को कोई सूचना नहीं दी गई होगी और इसी वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। और यहाँ पर मौके पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जेनसेट भी रखा हुआ है जिसकी मदद से इसी से पावर लेकर जो है ये रेलवे का जो ट्रैक है वो काटा गया और ये वो जेनसेट है और तमाम जो है ज्वाइंट हो रहे जिनके जरिए रेलवे ट्रैक जो है वो जोड़ा जाता है। वो आप देख सकते हैं कि ये रेलवे के जो जॉइंट्स हैं रेल की पटरियों के यहाँ पर पड़े हुए हैं और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनका यही कहना है कि हादसे की सबसे बड़ा वजह यही है, इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। ये जो काम है तकरीबन सुबह से यहाँ पर चल रहा था, कुछ घंटे पहले से जब ट्रेन पलटी है उसके बाद से और उसके बाद ये लोग बैग और भी दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये और औजार हैं जिनको रेलवे मैन जो है वो काम कर रहे थे और ये उनके तमाम जो चाबी पाने हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में औजार लेकर इतना बड़ा काम जो है वो रेलवे ट्रैक पर चल रहा था और इसकी सूचना जो है वो किस तरीके से मिस होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होता है कि ये ट्रेन जो है आप डिब्बा मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि वो डिब्बा जो है डिरेल हुआ है। तकरीबन एक दर्जन डिब्बे जो है वो इस ट्रेन के उत्कल एक्सप्रेस के डिरेल हुए हैं और उसके बाद में इतने बड़ी संख्या में जो है लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो घूम फिरकर रेलवे रेल मंत्रालय की तरफ आता है, प्रशासन की तरफ आता है क्योंकि इतनी बड़ी घोर जो लापरवाही है वो भला रेल मंत्रालय रेलवे विभाग की तरफ से रेल प्रशासन की तरफ से कैसे हो सकती है। जितने भी वहां पर हमने देखा रिंच रखा हुआ है, वहां पर जनरेटर सेट रखा हुआ है, तमाम पटरियां छोटी छोटी कटी हुई रखी हुई है। एक बार गिन के बताइए कि तकरीबन कितने औजार वहां पर रखे गए हैं और सीधे सीधे रेलवे की लापरवाही का ये मामला लगता है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। रक्षित अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, रक्षित सिंह मौके पर मौजूद हैं और उनकी ओर से जो बड़ी जानकारी सामने दी गई है इसके मुताबिक वहां पर आपको बता दें जो रेलवे मैन है जो ट्रैक को ठीक करने का काम करता है उनके औजार वहां पर रखे गए हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं रिंच रखी हुई है वहां पर, पटरी की कटा हुआ हिस्सा इस वक्त आप एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि वहां पर ट्रैक को ठीक किए जाने का काम चल रहा था और अगर ऐसा है इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सीधे सीधे रेलवे इसके लिए जिम्मेदार है। पुरी से हरिद्वार जा रही ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है, 11 लोगों की जान चली गई, 65 लोग अस्पताल में भर्ती है जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मौके से घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई है एबीपी न्यूज पर जो लगातार आप देख रहे हैं रेलवे मैन की ओर से यहां पर काम किया जा रहा था, ट्रैक को ठीक किए जाने का वहां पर काम किया जा रहा था क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा वो औजार रखे गए हैं जिनसे ट्रैक को ठीक किया जाता है। वहां पर एक छोटा सा जनरेटर सेट रखा गया है, वहां पर कटी हुई पटरियां हैं जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं और अगर ऐसा होता है आपको बता दें तो पहले से जानकारी दी जाती है जो भी ड्राइवर ट्रेन को लेकर जा रहा होता है। एबीपी न्यूज इसीलिए सवाल पूछ रहा है क्या रेलवे की लापरवाही से हुआ है इतना बड़ा हादसा, एबीपी न्यूज का दूसरा सवाल है। हमारा पहला सवाल रेलवे की लापरवाही से क्या हादसा हुआ, हमारा दूसरा सवाल कटी हुई पटरी से ट्रेन पार करने की इजाजत कैसे दी गई क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है, इसके लिए सीधे रेलवे जिम्मेदार है। क्या किसी ने साजिश के तहत पटरी तो नहीं काटी, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, लेकिन जिस तरह के औजार वहां से मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेलवे इसके लिए जवाबदेह है। क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु को इस्तीफा देना चाहिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे ज्यादा सामने आ रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।